हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं हूं सुनैन और आप सभी का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है, आज हम निकल पड़ी है महाराष्ट्र का शान, महाराष्ट्र का जान और एक ज्योतिर्लिंग के बारे में आप लोग को जानकारी दूंगा। उनका नाम है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में नासिक शहर में अवस्थित है। तो गाइस, आज जानेंगे त्र्यंबकेश्वर जाने का यात्रा का क्या कॉस्ट पड़ेगा, कितना खर्चा आपको होगा, कहाँ रुकेंगे, कैसा है मंदिर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में आज जानेंगे। तो गाइस, वीडियो एंड तक बन रही है। तो गाइस, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक पड़ता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र में टोटल आपको महाराष्ट्र में 3 पड़ेगा, एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, एक घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 3 ज्योतिर्लिंग, एक पुणे में अवस्थित है भीमाशंकर, और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो नासिक में है, और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो औरंगाबाद में है। तो गाइस, चलिए अभी हम जानेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग हम कैसे पहुँचे। तो गाइस, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुँचने के लिए 3 माध्यम है, एक ट्रेन, एक बस और एक फ्लाइट। तो गाइस, आप अगर नासिक से बाहर से देख रहे हैं इस वीडियो को और आप आने चाह रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए, तो पहले आपको आना पड़ेगा गाइस नासिक रेलवे स्टेशन। नासिक स्टेशन से उतरने के बाद आपको हर तरह का बस मिल जाएगा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। गवर्नमेंट बस मिलेगा आपको, नहीं तो आप प्राइवेट ओला बुक कर सकते हैं, उबर कर सकते हैं, वो इजीली अवेलेबल होगा आपके लिए। तो गाइस, हम जा रहे हैं पुणे से। तो गाइस, काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए नासिक बस स्टॉप। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को देख पा रहे हैं, ये हो गया नासिक बस स्टैंड। तो हम लोग पुणे से आ रहे थे, तो पुणे से हम लोग पहले आए नासिक बस स्टॉप में, और इधर से हम जाएंगे ओला नहीं तो उबेर करके कैब लेके त्र्यंबकेश्वर मंदिर का तरफ। तो गाइस, ये देख पा रहे, ये नासिक का बस स्टैंड है। तो गाइस, इधर उतरने के बाद हम लोग थोड़ा खाना खा रहे हैं, तो जो खाने का कॉस्ट आया वो हो गया 110 रुपया पर प्लेट। तो आप वो हिसाब से मैं और मेरा फ्रेंड खाना खा रहा हूँ, तो 240 रुपया में खाना हो गया रात का खाना, और खाना भी आप देख पा रहे हैं कैसा है। तो गाइस, इधर से खाना खाने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं मंदिर का ओर। और गाइस, इधर का जो ऑटो और ओला उबेर काफ़ी महंगा है, क्योंकि 700 रुपया कॉस्ट दिखा रहा था ओला में। नासिक बस स्टॉप से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का 700 रुपीस ओला दिखा रहा था। तो गाइस, हम लोग थोड़ा बार्गेनिंग करके एक ऑटो वाला, लोकल ऑटो पकड़े, और उनको 400 रुपीस में हम लोग जा रहे हैं मंदिर का तरफ। तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए। ये जो कुंड आप देख पा रहे हैं, ये भीमकुंड है। गाइस, ये भीमकुंड में नहाने के बाद आपको मंदिर का दर्शन करने मिलता है, क्योंकि जैसे कलकत्ता में गंगा प्रसिद्ध है, ऐसे नासिक में भीमकुंड प्रसिद्ध है, पवित्र नदी। काफ़ी ठंडा होने का कारण भी मैंने नहा के फ्रेश हो गया। आप चलते हैं मंदिर का तरफ, मंदिर दर्शन करने के लिए। तो गाइस, चलो लेट्स गो, मंदिर दर्शन करते हैं अभी। तो गाइस, फाइनली हम लोग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस, शू रखने के लिए आपको जगह मिलेगा आजू बाजू दुकान में, आप प्रसाद खरीद सकते हैं, और हम लोग प्रसाद खरीदने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस, इधर काफ़ी लाउड रहता है और काफ़ी पब्लिक रहता है, तो आपको जल्दी आना पड़ेगा इधर, तो लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि इधर
हम लोग 1 मिनट 2 मिनट का अंदर पूरा भर गया था पूरा इतना लाइन। गाइस आपको जानकारी दे दूं, गाइस ये जो ज्योतिर्लिंग है इधर 3 भगवान ने स्थाई लिए है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, और तीनों ज्योतिर्लिंग का अंदर ही विराज है। और गाइस ये ज्योतिर्लिंग के पास, ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास आपको सर्पदोष, काल सर्पदोष का पूजा होता है। और गाइस देखिए काफ़ी लाइन पड़ गया, देख पा रहे होंगे आप, और इधर से हम अंदर तक जा रहे हैं। बोले बाबा हर हर महादेव। बहुत ही अंदर फोटो अलाउ नहीं है शायद, अंदर फोटो अलाउ नहीं है शायद, फिर लिखा है ना। अभी सुबह हो रहा है इसीलिए थोड़ा लाल लाल आ रहा है, देख ये पहाड़ी पहाड़ी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पहाड़ आ रहा है हल्का हल्का। ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ये। तो गाइस यही था त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का वीडियो। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना, और गाइस मेरा चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गाइस इसी तरह का वीडियो और भी लेके आता हूँ, दिल से बोलिए हर हर महादेव। और आप भी नहीं गए होंगे तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जरूर दर्शन कीजिए, और काफ़ी खूबसूरत लगेगा, काफ़ी आपका मनोकामना पूरा होगा। हर हर महादेव। Inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight.